वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन. और आज हम फ्रेंड्स एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं. आपकी बुक का अगर हम टीएस ग्रेवाल सर की बुक की बात करते हैं तो उसका है चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये हमारा बेसिक चैप्टर है और इसके अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी. पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और चेंज. चेंज का मतलब होता है कि पहले पार्टनर्स की कोई ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी और अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी रेशियो चेंज कर ली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहां से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो भी सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. बेसिक चैप्टर है. सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके आपके साथ स्टार्ट करता हूं और आप सब बच्चों को समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. ये दो पार्टनर्स हैं वी और जी और इनकी रेशियो है 3:2 जिसको आप कहते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मैंने यहां पे लिख दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था अपना 1 अप्रैल 2010 में. 10 में बिजनेस स्टार्ट करा था. इनकी रेशियो थी 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और फटाफट देखते हैं पहला साल खत्म हुआ और इनके पास नेट प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए. 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था. बेटा आप मुझे बताओ बी को कितना मिलेगा और जी को कितना मिलेगा. 1 लाख का टोटल प्रॉफिट है फर्म का. बताइए बी को कितना मिलेगा और जी को कितना मिलेगा. तो कैसे हम कैलकुलेशन एक बार सीख ले. बी की कैलकुलेशन, बी का शेयर कितना था. बी का शेयर था 3 डिवाइड बाय टोटल और प्रॉफिट कितना था 1 लाख. तो 1 लाख का यानी बी को मिलेगा 60,000. और एक बार जी का भी मैं करके दिखा देता हूं. जी का शेयर है 2 डिवाइड बाय टोटल. टोटल सब में सेम आएगा और प्रॉफिट है 1 लाख. तो जी को कितना मिलेगा 40,000. तो ये हमारी क्या बन गई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और इस तरह से प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं. ये तो बहुत बेसिक चीज थी. यहां से आपका बेस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा. थोड़े सालों बाद लेट्स एज्यूम 1 अप्रैल 2021 इन पार्टनर्स ने डिसाइड करा, यानी वी और जी ने डिसाइड करा कि आज के बाद दे वॉन्ट्स टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और इन्होंने कहा अब हमारी रेशियो होगी 1:1 इक्वली. दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्या हो चुकी है, अब चेंज हो चुकी है. और इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम इसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो. ये पुरानी रेशियो है और ये कौन सी रेशियो हो गई, ये हो गई अब न्यू रेशियो. मगर ये रेशियो चेंज कब हुई है, 1 अप्रैल 2021 को. और मान लेते हैं प्रॉफिट, एज्यूम कर लेते हैं एक बार कि प्रॉफिट दोबारा से 1 लाख ही हुआ है. जैसे पहले 1 लाख था, अब भी कितना मान लिया हमने 1 लाख. अब जल्दी से बताओ 1 लाख में वी और जी को आधा आधा, आधा आधा कितना होगा. वी को मिलेगा 50,000 और जी को भी कितना मिलेगा 50,000. और यहां से आप एक नई बात सीखेंगे आज. अब आपने ध्यान से देखना है, मैंने 1 लाख को बांट दिया. चेक करो पहले कितना मिलता था 60,000, अब वी को कितना मिलता है 50,000. बेटा पहले मिलता था 60,000 और अब मिलता है 50,000. आपको पता है वी को लॉस हो गया. कितने का लॉस हो गया, 10,000 रुपए का लॉस हो गया. पहले 60 था और अब 50 हो गया, यानी वी को लॉस हो गया. बट अगर हम जी की बात करें, जी को पहले मिलता था 40,000
और अब कितना मिल रहा है, 50,000। यानी रेशो चेंज होने के बाद जी को प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10,000 का। ये आपने आराम से कंपैरिजन कर लिया, और मैं अब जरा अकाउंट्स पे आता हूं। प्रॉफिट को आप सब बच्चे बोलेंगे गेन, इसका मतलब याद रखना, आप जी को क्या हुआ है, जी को गेन हुआ है, और बी को लॉस हुआ है। लॉस को पता है क्या बोलते हैं, कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता है बेटा, लॉस को बोलते हैं सेक्रीफाइस। तो ये दो वर्ड्स आ गए आपके पास, सेक्रीफाइस और गेन। इट मींस व्हेनेवर पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बेटा कभी भी आपकी रेशियो चेंज होगी, पक्का कंफर्म है, किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि सबको नुकसान हो, किसी को नुकसान होगा तो किसी को फायदा जरूर होगा, किसी को गेन होगा तो किसी को सेक्रीफाइस होगा, और ये हमेशा बराबर होंगे, ऑलवेज बराबर। जैसे 10 और 10 बराबर आ रहा है, तो सेक्रीफाइस और गेन बराबर आएंगे। और यहां से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होगा। अब आपको 12th क्लास में क्या करना है, फर्स्ट टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालो। सेक्रीफाइजिंग रेशो, ये हमारा पहला टॉपिक है। सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैं भी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जैसे वी, मैं यहां पे लिख देता हूं, पहले इनकी रेशो थी 3:2 ओल्ड रेशो, बाद में इन्होंने कहा 1:1, ये कौन सी रेशो हो गई, न्यू। ये पहले वाला क्वेश्चन था। जरा आइए मेरे साथ जरा सॉल्व करते हैं वी का। वी की ओल्ड रेशो 3/5, फिर जी की ओल्ड रेशो 2/5 माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो कितनी थी, 1/2, 1/2। फटाफट सॉल्व करते हैं, और यहां से अब आप एक बात सीख जाएंगे, 6 - 5 1, और यहां चलते हैं 10, 4 - 5 माइनस में आ रहा है। और मैंने अभी अभी पीछे आपको प्रूव करके दिखाया था जी को क्या हुआ, बेटा मुझे एक बात बताइए, क्या आप सबको क्लियर है, बेटा जल्दी से बताओ क्या ये स्क्रीन क्लियर है, बिकॉज लाइट चली गई है। फटाफट बताएंगे एवरीवन, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और पीछे अगर हम देखते हैं तो यहां से साफ पता लग गया था कि जी को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। वेरी गुड मुस्कान रितिका। बेटा यहां से जो कंक्लूजन ड्रॉ करनी है आप सब बच्चों ने, वो कंक्लूजन ये है, माइनस का मतलब क्या निकला, माइनस का मतलब निकला गेन। बेटा कंक्लूजन ये है, माइनस का मतलब गेन, मैंने प्रूव किया था। और अगर आंसर प्लस में आता है तो क्या होगा, सेक्रीफाइस। तो बस छोटी सी बात आपको ये याद रखनी है, पहला टॉपिक खत्म। मैं यहां लिख देता हूं सेक्रीफाइजिंग रेशो, सुनना जरा ध्यान से, अगर आंसर प्लस में आता है, अगर आंसर प्लस में आता है तो आप बच्चे बोलेंगे उसे क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस नुकसान। और आंसर अगर माइनस में आता है तो आप बोलेंगे उसको क्या होगा, गेन। बस ये है कंक्लूजन। और अब मैं आपके साथ और क्वेश्चंस जरा ट्राई करते हैं आपके साथ। बेटा ये हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है, और अगेन एज यूजुअल नेक्स्ट असाइनमेंट भी आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट पर saivinayakios.com, और इसके सॉल्यूशंस और क्लास नोट्स भी आप सब बच्चों को वेबसाइट पे मिलेंगे। पहला टॉपिक ही क्या लिखा है, सेक्रीफाइजिंग रेशो, मुझे फॉर्मूला बताइए। बेटा फटाफट चैट बॉक्स में जल्दी से बताया करो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। वेरी गुड समीक्षा, बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर प्लस में आता है, बोलो जल्दी से, अगर आंसर प्लस में आता है तो क्या होगा? सेक्रीफाइस। और अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो क्या होगा? गेन। बस सारे क्वेश्चन खत्म। वंशिका, मुस्कान, इरफान, वेरी गुड। शगुन, आइए जरा क्वेश्चंस करना सीखते हैं। अब जरा पहले मैं चलता हूं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर। बेटा खत्म, पहला टॉपिक खत्म, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स, अब मेरे साथ फोकस करेंगे। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दो पार्टनर्स थे, इक्वल रेशियो है, ये कौन सी रेशियो हो गई? ओल्ड रेशियो। विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2019 को दे एग्री, इन्होंने डिसाइड करा टू प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3, ये कौन सी रेशियो हो गई? दिस इज न्यू रेशियो। ये कौन सी हो गई? न्यू रेशियो। आपको बस कैलकुलेट करना है किस पार्टनर को गेन हुआ और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ये ओल्ड है, ये न्यू है। आओ जरा मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3। मैं फटाफट लिखता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। पार्टनर्स के नाम थे ए और बी, पहले रेशो थी 1:1 ओल्ड रेशो, और बाद में रेशो आ गई 4:3, ये कौन सी रेशो आ गई? न्यू रेशो। चलिए हम फटाफट जरा सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं। बेटा मैथ्स है, अकाउंट्स खत्म, आप सब बच्चे मैथ्स पर ध्यान दें, देखना जरा ध्यान से। ए की बात करते हैं, ए की ओल्ड रेशियो थी 1/टोटल 2, न्यू कितनी थी? 4/टोटल, 4 और 3 7, चलिए 7 और 2 में एलसीएम आ गया 14, 7 माइनस 8। बेटा माइनस में आ रहा है, क्या मतलब होता है माइनस का? अभी अभी बताया था माइनस का मतलब गेन। बी के बारे में करते हैं, बी की ओल्ड रेशो 1/2, न्यू रेशो कितनी है? 3/7 टोटल 14 एलसीएम, ये आ रहा है प्लस में, प्लस का मतलब सेक्रीफाइस। और मैंने आपको पीछे प्रूव करके दिखाया था गेन और सेक्रीफाइस हमेशा बराबर बराबर ही होंगे, आप चेक कर सकते हैं। इसको 1 रुपी का सेक्रीफाइस है और इसको 1 रुपी का गेन है, बेटा ये हमेशा टैली करेगा। वेरी गुड, क्वेश्चन खत्म। बस ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं आप सब बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2, तीन पार्टनर्स हैं, ये कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ पी क्यू आर डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, अब वो इक्वल शेयर करेंगे, यानी ये कौन सी रेशो हो गई? न्यू रेशो। पहले वाली ओल्ड और ये कौन सी हो गई? न्यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां लिखता हूं, पार्टनर्स पी क्यू आर, पहले रेशो थी 5:3:2, ये कौन सी रेशो हो गई? ओल्ड रेशो। बाद में डिसाइड करा 1:1, ये कौन सी रेशो हो गई? न्यू रेशो। इक्वली हम निकालते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और आप सब बच्चे याद रखना, सीबीएसई के अंदर फॉर्मूला लिखोगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं, तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है। सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, पी क्यू आर, बताइए जरा। पी का देखते हैं 5, क्यू का कितना है? 3, आर का कितना है? 2। अब टोटल बताओ, टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 10 10 10, सबका टोटल आ रहा है 10, माइनस न्यू रेशो 1 1 1, टोटल बताइए टोटल कितना आ रहा है? 3।
अब होप बेटा आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं जरा कितना एलसीएम आया। 30 एलसीएम, 15 माइनस 10 5। जल्दी से बताओ आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, गेन है या सेक्रीफाइस, एक बार चेक करते हैं। रिया का आंसर आ गया, अंजलि का आ गया, बेटा इसे गेन हुआ या सेक्रीफाइस। खुशी, अंजलि गुप्ता खुशी, वंशिका तानवी प्लस में आया, फटाफट बताइए। सौम्या, अश्मित, निधि, समीक्षा, सेक्रीफाइस, वेरी गुड। सुलानी, शिवम। अब नेक्स्ट चलते हैं, 3 3 9, 10 1 1, माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब होता है गेन। यहां चेक करते हैं, 3 2 6 -10, ये भी माइनस में आ रहा है, इसका मतलब माइनस का मतलब होता है गेन। और अभी अभी मैंने आपको बताया था, प्रूव करके देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था सेक्रीफाइस और गेन हमेशा बराबर होंगे। बेटा क्लास नोट्स नोटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप फोकस करो कॉन्सेप्ट समझने की, नोटिंग से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। सेक्रीफाइस और गेन बराबर होता है। सेक्रीफाइस है 5 रुपए का, मैं यहाँ लिख देता हूं 5 रुपए का नुकसान है। चेक करो क्या गेन भी 5 रुपए का है। बेटा चेक करेंगे सारे बच्चे, 1 और 4, यस 1 और 4 कितना होता है 5, हमेशा इक्वल आएगा दोस्तों। शॉर्टकट है, शॉर्टकट अपने आप आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं असाइनमेंट का, और ये क्वेश्चन अब आप सारे बच्चे करेंगे। बेटा ये इस क्वेश्चन आपने करना है, चेक करेंगे फटाफट। आप अपनी कॉपी ओपन करो, थोड़ी सी मेहनत करो। क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन गोज टू यू। एबीसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:1, दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर एंड प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 5:4:3, दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। आपको ये बताना है किसे गेन हुआ और किसे सेक्रीफाइस हुआ। बेटा योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी जल्दी मेरे से पहले आंसर आना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कौन सा बच्चा सही आंसर निकाल रहा है। 4:3:1 ओल्ड रेशो, 5:4:3 न्यू रेशो। करिए जल्दी से सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। ए का आंसर ए, बी सी। ए का कितना था 4 3 1, टोटल करो 4 3 7 और 1 8, 4/8, 3/8, 1/8, माइनस न्यू रेशो 5 4 3, टोटल कितना आ रहा है 5 4 9 और 3 12। बेटा अभी तक किसी बच्चे का पहला वंशिका का आंसर आया है, फटाफट फटाफट सॉल्व करेंगे। समीक्षा का भी आ गया आंसर जी, वंशिका एंड समीक्षा का आंसर आ रहा है, शगुन का, अंजलि का। बेटा 12 और 8 का एलसीएम होता है, 12 और 8 का एलसीएम होता है 24। 8 3 24, बेटा एलसीएम लेना। मैं अभी पढ़ा रहा था दिल्ली में बच्चों को, तो कुछ बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता। बेटा एलसीएम आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज मैं 8 3 24 तो 12 -10। बेटा बेसिक मैथ्स आपको सीखनी पड़ेगी, 2/24। यहां चलते हैं, 24 LCM 9 - 8, ये आ रहा है 1/24। दोनों आंसर पॉजिटिव में है। आपको पता है
अगर आप शॉर्टकट मारो तो आंसर अभी समझ आ जाएगा बेटा, शायद कुछ बच्चों को समझ आ जाए। सेक्रीफाइस हो रहा है, इसको भी सेक्रीफाइस हो रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, बट लास्ट आंसर पक्का गेन होगा बेटा, कंफर्म है। इनका नुकसान किसी का फायदा होगा, और मैं आपको बताऊं पक्का आंसर -3/24 आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, मैंने तो शॉर्टकट लगाया था, आप चेक करो। 8 और 12, 3 3-6, तो आंसर आ रहा है 3/24। तो सेक्रीफाइस हमेशा गेन के बराबर होगा, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। और आगे चलते हैं आपके साथ बेटा, मुझे बताइए इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये टॉपिक समझ आया है? एक बार जरा दोस्तों फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बताइए बेटा, सारे बच्चे रिप्लाई किया करो बेटा, रिप्लाई करने से कॉन्फिडेंस आता है मुझे भी और आपको भी। एक बार जल्दी से बताइए, एक आसान सा टॉपिक था। वेरी गुड बेटा, फटाफट बाकी बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी जल्दी, यस यस यस, फटाफट आओ। थोड़ा सा मुश्किल चलते हैं आप बेटा, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपको बेसिक क्वेश्चन समझ आ गए। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, मैं आपको बता देता हूं जब आप बुक ओपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है बेटा, बुक का चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। वो कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, जरा मेरे साथ साथ बात को समझें। तीन पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है 5:3:2 बेटा, ये इनकी रेशियो है 5:3:2, ओल्ड रेशियो, समझना वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इंग्लिश में उन्होंने कहा, जेड एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम एक्स। बेटा अगर इंग्लिश समझ आ गई तो कहानी खत्म, रटने की जरूरत नहीं है। एक्वायर का मतलब होता है टेक्स, टेक्स का मतलब लेना। जेड लेगा 1/10 शेयर, किससे लेगा? एक्स से। इट मींस एक्स को देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा? जेड को। अब बहुत आसान है, अगर मैं आपसे 10 रुपये मांगू बेटा, अगर मैं आपसे 10 रुपीज मांगू, तो आपके में से क्या हो जाएगा? आपके में से 10 रुपीज माइनस हो जाएंगे और मेरे अकाउंट में क्या हो जाएंगे बेटा? मेरे में प्लस हो जाएंगे, खत्म कहानी। जेड एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम एक्स, एक्स से लेगा तो एक्स में माइनस कर देंगे और जेड में प्लस कर देंगे, खत्म कहानी। ये देखो मैं आपको न्यू रेशो निकालना सिखा रहा हूं, बहुत आसान है। एक्स पहले, एक्स के पास कितना था? 5/ में टोटल 10। वाई के पास कितना था? 3/ में 10। जेड के पास कितना था? 2/ में 10। एक्स ने माइनस करा 1/10 और जेड ने प्लस कर लिया 1/10। इस तरह से आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। और जरा सॉल्व करके देखें कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4/10, ये आ रहा है 3/10, और ये भी कितना आ रहा है? 3/10। तो फटाफट मुझे बताओ न्यू रेशो क्या आई? न्यू रेशो 4:3:3, ये आ गई इनकी न्यू रेशो 4:3:3 बेटा, ये है ओल्ड रेशो। और इंग्लिश पढ़ने के बाद ये निकाली न्यू रेशो,
बस फिर क्या करना था, उसके बाद तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है, वो मैं नहीं निकालूंगा, आपके लिए होमवर्क है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओल्ड माइनस न्यू, मुझे तो बस आपको इंग्लिश सिखानी थी कि इंग्लिश का क्या मतलब है। मुझे बताओ क्या ये इंग्लिश समझ आई है आपको, बताओ जल्दी से बेटा, जल्दी जल्दी बताओ क्या ये इंग्लिश समझ आई है। मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अपने असाइनमेंट का और फिर आप बच्चे इंग्लिश पर फोकस करेंगे बेटा, एक और क्वेश्चन और इंग्लिश पर ध्यान देंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन नंबर टू, बस इंग्लिश पढ़ना ध्यान से। पी क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, ये कौन सी रेशियो है? ओल्ड रेशियो। कैलकुलेट न्यू रेशियो, कह रहे हैं न्यू रेशियो निकालो। और अब आ गई आपकी बारी इंग्लिश पढ़ने की। इफ आर एक्वायर टेक्स, आर लेगा यानी आर में क्या होगा, प्लस आर को मिलेगा 1/10 शेयर, आर को मिलेगा 1/10 शेयर, किससे मिलेगा? इक्वली फ्रॉम P एंड Q, यानी P भी देगा और Q भी देगा। P में से माइनस, वेरी गुड मुस्कान, Q में से माइनस और R में प्लस। इस 1/10 को आप समझो 10 रुपए, अगर इसको 10 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए, ये दोनों आधे आधे देंगे, आधे आधे मतलब 5 रुपए P देगा और 5 रुपए Q देगा। वेरी गुड बेटा, 5 रुपए ईच। अब इस बात को जरा मैं अकाउंट से समझाने की कोशिश करता हूं आपको, मैं जरा लिखता हूं यहां पर। मैंने लिखा पी क्यू आर, इनकी रेशो थी 5:3:2, ये है इनकी ओल्ड रेशो। आर कहता है मुझे 1/10 शेयर चाहिए, आर को चाहिए 1/10, और आर कहता है मैं दोनों से लूंगा, आधा पी से लूंगा, इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, आधा पी से लूंगा और आधा किससे लूंगा, क्यू से। इसका मतलब पी में से माइनस करेंगे, क्यू में से माइनस करेंगे और आर में क्या करेंगे, प्लस। अब दिक्कत ये है, आधा आधा इक्वली कितना हुआ बेटा, 1/10 का हाफ, करें जरा एक बारी, 1/10 का, 1/10 का हाफ, इसका मतलब पी से 120 मिलेगा, पी में से कितना माइनस करेंगे 120, क्यू में चेक करो, क्यू में भी आधा क्यू से लेगा हाफ, 1/10 का हाफ आधा, जैसे 10 रुपए का आधा निकाला था ऐसे 1/10 का आधा कितना हुआ 120, ये किससे लेगा, क्यू से, तो क्यू में से भी क्या कर देंगे माइनस, और आर क्या करेगा दोस्तों, आर प्लस करेगा, आर को कितना मिलेगा 1/10। क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ आई है, बताइए मुझे बेटा, ये समझ आना चाहिए, बाकी तो खत्म कहानी, सारी कहानी इंग्लिश की थी बेटा, बोलो क्या ये समझ आता है आपको, आधा आधा मैंने कैसे निकाला, इक्वली आधा लेगा पी और आधा लेगा क्यू, यस। तो जरा एक बार न्यू रेशो निकालें, न्यू रेशो पी की निकालते हैं, पहले पी के पास कितना था, पहले पहले था 5/10 माइनस 1/20, 1/20 चला गया, बताइए कितना बचा, 10 - 1, 9/20 बचा। क्यू का देखें, क्यू के पास था 3/10 माइनस 1/20, इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा 5/20 बेटा। आर आर के पास पहले था 2/10 प्लस, इसको प्लस करेंगे, इसके पास कितना आया 1/10, यानी ये आया 3/10,
अब दिक्कत ये आ रही है सर, सब इसका डिनोमिनेटर 20 है, इसका भी 20 है, मगर इसका 10 है, क्या करूं 20 हो जाए? बेटा बताओ, ये भी 20 है, ये भी 20, इसे क्या करूं कि 20 हो जाए? किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा? 20 बन जाएगा। इसका मतलब ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल है ये, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ गया 6/20। अब देखो तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो जल्दी से देखें न्यू रेशो क्या आई। पी क्यू आर, बेटा न्यू रेशो इसकी कितनी है 9, इसकी कितनी है 5 और इसकी कितनी है 6। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। ये आ गई न्यू रेशो और ये आ गई ओल्ड रेशो। बस आपको क्या काम करना है, आपको तो सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालनी है। फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू। बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, एनी डाउट, अदरवाइज फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, एनीवन हैविंग एनी डाउट? अगर आपका आंसर यस आएगा तो फिर मैं आपको बेटा अनम्यूट करूंगा डाउट्स के लिए। आई एम वेटिंग बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। यूके, अंजलि, आरती, सलोनी, फटाफट बताइए सारे बच्चे, बोलो बेटा फटाफट, क्या ये बात समझ आ रही है? एनी डाउट्स? तो मैं धीरे धीरे करके आपको, मैंने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी करा दिए जिससे आपको ये समझ आ जाएगा सर ये क्या है, और साथ साथ कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स भी हम आपके साथ, जैस्मीन, स्वीटी, अश्मीत, ये आपका पहला टॉपिक खत्म हो चुका है। अब इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए दोस्तों होमवर्क रहेगा असाइनमेंट का, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन बच्चे मुझे बता रहे थे कि उसमें डाउट है। बेटा आप मुझे याद दिलाएंगे नेक्स्ट क्लास में, मुझे क्वेश्चन नंबर 9 कराना है, आज नहीं कराऊंगा, पहले आप सब सॉल्व करेंगे फिर मैं क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा, तो ये आपने मुझे याद दिलाना है नेक्स्ट क्लास, क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक आपने पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा ये आपका दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक खत्म। गुडविल आप बच्चों ने निकालना सीखा था मेरे साथ, आपने गुडविल निकालना सीखा था मेरे साथ चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ हमने निकालना सीखा था, मगर चैप्टर नंबर 4 में हम क्या सीखेंगे? हम ये सीखेंगे उसका ट्रीटमेंट। इसका मतलब चैप्टर 3 में जो आपने गुडविल निकाली थी उसका करना क्या है, वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा ये आपको मेरे से सीखना है, और जल्दी से बताओ गुडविल कितने तरह की होती है, फटाफट। ट्रीटमेंट तो तब सिखाऊंगा जब पुरानी बात याद होगी। गुडविल कितने तरह की होती है बताइए जरा जल्दी से। बेटा हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया था और मैंने वहां बताया था गुडविल आपकी 2 तरह की होती है, जल्दी जल्दी। एक होती है परचेज्ड, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड। बेटा एक होती है परचेज जो हम खरीदते हैं, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड का मतलब ही है जो आप खुद बनाते हो, जो खुद बनाते हैं। क्या परचेज गुडविल, याद कराओ, क्या परचेज गुडविल बैलेंस शीट में आती है, जल्दी बताओ यस और नो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
परचेज गुडविल बैलेंस शीट के अंदर आती है, यस और नो? बताइए जल्दी से बेटा, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, क्या परचेज गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में आती है? आंसर इज यस, आती है बेटा, बैलेंस शीट के अंदर आती है। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल, बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या बैलेंस शीट में आती है? बताओ फटाफट। रुद्राक्ष का आंसर आ गया, तन्वी। ये वाली गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती है, ये वाली गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती है। आपको याद रखना है बैलेंस शीट में जो गुडविल आती है वो कौन सी होती है? परचेज। और छोटी छोटी बात मेरी याद रखना, बैलेंस शीट को एक अलग नाम से पुकारते हैं आपकी बुक वाले, बोलते हैं बैलेंस शीट का मतलब होता है बुक्स। तो कंफ्यूज नहीं होना, बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है? बुक्स। लिखा होगा गुडविल अपियर इन बुक्स, गुडविल अपियर इन बुक्स, या लिखा होगा गुडविल अपियर इन बैलेंस शीट, इसका एक ही मतलब है। ये सब एक ही चल रहा है, एक ही मोह माया है। ये बताओ चैप्टर नंबर 3 से हम जो गुडविल निकालते थे, पता लग जाएगा बेटा मुझे गुडविल का टेस्ट लेना है। चैप्टर 3 से जो हम गुडविल निकालते थे वो परचेज होती थी या सेल्फ जनरेटेड? अब बताइए आप, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। सौम्या का, आरती का, रुद्राक्ष का आंसर आ गया, समीक्षा, निधि रावत, वंशिका, खुशबू, रिया, सलोनी, कौन सी गुडविल निकालते थे बेटा? सब बच्चों को क्लियर है इसका मतलब, हम चैप्टर नंबर 3 से कौन सी गुडविल निकालते थे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इसीलिए इसका एक और नाम है, और आपको बच्चे नाम याद रखेंगे, वैल्यूड। बेटा ये वैल्यू हम निकालते थे चैप्टर नंबर 3 से, तो सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या होता है? वैल्यूड गुडविल। ये वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, परचेज का मतलब बुक्स बैलेंस शीट, सेल्फ जनरेटेड का मतलब वैल्यूड गुडविल, जो हम किससे निकालते थे? चैप्टर नंबर 3 से। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, ये तो आपने सीख लिया था, मुझे क्या सिखाना है? ट्रीटमेंट, करना क्या है? पहले मेरे साथ साथ जरा पढ़ते हैं, पहले सीखें तो सही सर इसके अंदर कौन सी गुडविल है। आओ जरा मेरे साथ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्वेश्चन नंबर 7, सिर्फ ढूंढना है। आएंगे जरा, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, ये कौन सी रेशियो हो गई? दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। इट नाउ एग्रीड दैट दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3, ये कौन सी रेशियो हो गई? दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। यहां लिखा है गुडविल इज वैल्यूड, आप बच्चे बताइए ये कौन सी गुडविल है? बताओ जल्दी से, मुस्कान का आंसर आ गया, बेटा वैल्यूड गुडविल कौन सी होती है? बस आपने तो ये बताना है मुझे वैल्यूड गुडविल का मतलब कौन सी गुडविल है। अभी अभी मैंने बताया था वैल्यूड का मतलब होता है सेल्फ जनरेटेड। आगे चलते हैं, आगे लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आगे एक और लाइन लिखिए, गुडविल ऑलरेडी अपियर इन बुक्स। बुक्स का मतलब क्या होता है? बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। इसका मतलब ये कौन सी गुडविल है बेटा? बुक्स का मतलब बैलेंस शीट, इसका मतलब ये कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल। बस यही ढूंढना है, पहले ढूंढना सीखें मेरे साथ साथ, अगर आप ढूंढना सीख गए फिर मैं आपको ट्रीटमेंट करा दूंगा, खत्म। आओ एक और क्वेश्चन पर जरा ढूंढते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मेरे साथ साथ बताओ ये गुडविल दे रखी है वैल्यूड, बताइए कौन सी गुडविल है? बोलो जल्दी से, वैल्यूड गुडविल कौन सी होती है? सेल्फ जनरेटेड, वेरी गुड वेरी गुड, बेटा ढूंढना सीखो मेरे साथ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और ये बताएं एक और गुडविल है, गुडविल ऑलरेडी अपियर इन बुक्स। बुक्स का मतलब क्या हुआ? बुक्स का मतलब हुआ बैलेंस शीट। बस यही काम करना है, ढूंढना है, खत्म कहानी।
गुडविल ढूंढनी है दोस्तों और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आओ जरा फिर ये बताओ, इंग्लिश पढ़कर, गुडविल डज नॉट अपियर इन द बुक्स, ये वाली गुडविल कौन सी है? अब पता लगेगा कितने बच्चों ने ध्यान से पढ़ा है। स्वीटी ध्यान से, तन्वी का आंसर ठीक है, रिया बेटा ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो क्या लिखा है, रटना नहीं है। गुडविल डज नॉट अपियर इन द बुक्स, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में गुडविल जो नहीं होती, उस गुडविल को पता है कौन सी गुडविल कहते हैं? वो होती है सेल्फ जनरेटेड। वेरी गुड अश्मित सलोनी, डज नॉट अपियर लिखा हुआ है। यहां बताओ ये लिखा है गुडविल वैल्यूड, बताओ बेटा वैल्यूड कौन सी हुई? इसका मतलब आप बच्चों को ढूंढना तो आ गया है, ढूंढना आ गया है, मुझे अब सिखाना है बस एंट्री करना, खत्म कहानी। मैं सिर्फ अब एंट्री करना सिखाऊंगा आपको, और एंट्री करना बहुत आसान है। आज की क्लास में लॉजिक नहीं बताऊंगा, लॉजिक बेटा बाद में करेंगे, आज सिर्फ एंट्री करना सीखो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की क्या एंट्री होती है मेरे साथ साथ समझना, विदाउट एनी लॉजिक समझेंगे। बेटा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पूरी पार्टनरशिप का ब्रह्मास्त्र। बेटा ये ब्रह्मास्त्र है पूरी पार्टनरशिप में, अभी तो हम गुडविल पढ़ा रहे हैं, पूरी पार्टनरशिप में यही ब्रह्मास्त्र काम आएगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एंट्री होती है G2S। इस ब्रह्मास्त्र को आप याद करें, ये पूरी पार्टनरशिप में काम आएगा। गेन पार्टनर डेबिट होगा और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। एंट्री क्यों करी है, क्या रीजन है, वो मुझे बताना है, मगर इस ब्रह्मास्त्र को आप सब बच्चे याद रखेंगे, पूरी पार्टनरशिप में काम आएगा। G2S यानी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, इस गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जैसे मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ, फटाफट चलते हैं। तीन पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 4:3:2, ये कौन सी रेशियो हो गई, ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स ने डिसाइड करा बाद में रखेंगे इक्वल शेयर, तो ये कौन सी हो गई आपकी, न्यू रेशियो। जरा फटाफट देखो मेरे साथ, मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जल्दी जल्दी समझेंगे मेरे साथ। एक्स वाई जेड खत्म, ये वाली गुडविल खत्म। 4:3:2, ये कौन सी रेशियो है, ओल्ड रेशियो। बाद में डिसाइड करा इक्वल, ये कौन सी रेशियो हो गई, न्यू रेशियो। जरा फटाफट देखूं, मैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने जा रहा हूं, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। चलिए जरा जल्दी जल्दी निकालते हैं, ओल्ड रेशियो 4:9, 3:9, 2:9, माइनस 1:3, 1:3, 1:3, 9 और 3 में एलसीएम लिया 9, तो 4:1 आ गया, 1:9। यहां देखें, यहां आ रहा है 9 और यहां आ रहा है 0, यहां पे भी आ रहा है 9, 2-3 माइनस में आ रहा है। बेटा क्या मतलब हुआ, माइनस का मतलब गेन, इसे कुछ नहीं हुआ, और प्लस का मतलब सेक्रीफाइस। और अभी अभी मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में गुडविल सेल्फ जनरेटेड दे रखी है, वैल्यूड दे रखी है, कितनी थी चेक करें एक बारी, कितनी गुडविल थी, 36,000, 36,000 की गुडविल थी, ये लिखा 36,000। और मैंने आपको बताया इसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैं देखो एंट्री कर रहा हूं, टॉपिक खत्म दोस्तों, एंट्री करके दिखा रहा हूं, गेन किसे हुआ है, जेड को, तो एंट्री होगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइस हो रहा है एक्स को, टू एक्स कैपिटल अकाउंट।
विदाउट एनी लॉजिक मैंने आपका टॉपिक खत्म करा दिया, वैल्यूड गुडविल का मैंने आज आपको खत्म करा दिया। कितना शेयर है? 1/9। तो जरा देखें, गुडविल थी 36,000, 36,000 का 1/9 कितना आया? 36,000 का 1/9 कितना आया? 36,000/9, ये आ गया 4,000। 4,000 यहां आ गया, 4,000 यहां आ गया। बेटा एंट्री खत्म, लॉजिक को छोड़ो, अभी मैंने आपको एंट्री करना सिखाया है। गुडविल वैल्यूड की क्या एंट्री आती है, क्या आप समझ गए हो ये वाला कॉन्सेप्ट? बेटा जल्दी जल्दी बताओ, वैल्यूड गुडविल क्या आपको समझ आई है, यस और नो? ब्रह्मास्त्र आपको समझ आया है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, बताइए जल्दी से। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। ये आपको टॉपिक खत्म हो गया, वैल्यूड गुडविल खत्म। कहीं भी मिले वैल्यूड गुडविल, ब्रह्मास्त्र चलाना है विदाउट एनी लॉजिक, एंट्री पास करनी है, कहानी खत्म। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, खत्म। ये हो गई नरेशन। अब कौन सी गुडविल बची ये बताओ, वैल्यूड तो खत्म हो गई तो बची कौन सी? बेटा कौन सी गुडविल बची? ये बची सर परचेज वाली, बैलेंस शीट वाली, ये गुडविल बच गई परचेज वाली बैलेंस शीट। और मेरे पास 4 मिनट्स रह गए हैं, 4 मिनट्स में मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा कैसे करना है। बेटा इस गुडविल को 12th क्लास ने कहा है, कसम खा लो, कह रहे हैं इस गुडविल को खत्म करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म। कभी भी बैलेंस शीट में गुडविल आ जाए तो 12th के बच्चों ने कसम खानी है कि हम इस गुडविल को खत्म करके जाएंगे, राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ कैसे करते हैं मेरे साथ जरा समझना, मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं राइट ऑफ। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, और आपको अब समझ आ जाएगा कि कैसे राइट ऑफ करते हैं, खत्म कैसे करते हैं। आओ मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक गुडविल दे रखी है वैल्यूड 1,20,000। तो एक जगह तो मैं लिख देता हूं गुडविल वैल्यूड दे रखी है 1,20,000, और इसका ट्रीटमेंट मैंने अभी अभी बताया था ब्रह्मास्त्र। क्या एंट्री करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। एक दे रखी है गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स, बैलेंस शीट में है 50,000। एक गुडविल आपको दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल दे रखी है 50,000। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहे हैं तीन पार्टनर हैं ए बी सी, ओल्ड रेशो है 5:3:2 और न्यू रेशो है 5:4:3। ये है न्यू रेशो। समझना जरा मैंने आपको क्या बताया। मैं कहता हूं इस गुडविल को खत्म करना है, 12th क्लास में इस गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ, खत्म। अब कैसे करते हैं खत्म? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, बैलेंस शीट में उल्टा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं आप सब बच्चों के लिए। बैलेंस शीट में उल्टा होता है, ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्रेडिट होती है, हमेशा याद रखना। लायबिलिटी साइड क्रेडिट होती है और असेट साइड क्या होती है, डेबिट। इस रूल को हमेशा याद रखेंगे। और मैंने कहा इस गुडविल को खत्म करना है, राइट ऑफ करना है। आप खुद बताइए ये गुडविल क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, कैसे खत्म करूं? बेटा आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अगर कोई चीज प्लस होती है तो आप बच्चे माइनस कर देते हो, अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो उसे कैसे खत्म करेंगे, क्रेडिट करके। वेरी गुड निधि, इसे खत्म करना है, ये डेबिट हो रहा है, कैसे खत्म करूंगा, क्रेडिट करके। तो मैं नीचे लिखूंगा टू
गुडविल अकाउंट। लो सर खत्म, और आप एंट्री करना सीख गए। गुडविल खत्म। ऊपर कौन आएंगे बेटा? ऊपर पार्टनर आएंगे। ए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन है? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और तीसरा कौन है? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये हो गई एंट्री खत्म करने की। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल राइट ऑफ। अब दिक्कत ये है सर, राइट ऑफ तो हम सीख गए, गुडविल को क्रेडिट कर देना खत्म हो गई, मगर किस रेशो में बांटेंगे? राइट ऑफ किस रेशो में करेंगे? हमेशा हमेशा किस रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में, पुरानी रेशो में। पुरानी रेशो क्या थी? 5:3:2। इस ओल्ड रेशो में आप इसे खत्म करोगे। कितना कितना आएगा? ये आएगा 25,000, ये आएगा 15,000, और ये आएगा 10,000। मैंने आपको दोनों गुडविल का ट्रीटमेंट सिखा दिया। वैल्यूड गुडविल कैसे निकालते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और गेनिंग टू सेक्रीफाइस के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, आपको पता लग जाएगा, एंट्री कर लेंगे। और बैलेंस शीट वाली गुडविल को क्या करना है? राइट ऑफ ओल्ड रेशो। बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस में और भी कराऊंगा आपको, बट वो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कंफ्यूज नहीं होना, नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। बेटा पहले ये बताओ, क्या आपको ये समझ आया है?